लोकसभा स्पीकर द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के खिलाफ आज कोरवाई बस स्टैंड पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। पुतला फूका एवं केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एक तानाशाह की तरह काम कर रही है और संसद में जनहित के मुद्दे उठाने और सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ सवाल पूछने पर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है। केंद्र की भाजपा सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर रही है। देश के लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विपक्ष पर CBI और IB के छापे डाले जा रहे हैं। जो भी सरकार से सवाल पूछता है उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। देश की आजादी के 75 वर्षों में भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया गया। जो कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि देश की जनता और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ है, उन्हें जनहित के मुद्दों को उठाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।